ने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पाओफिट, जिसे बनाया है जापान की कंपनी ने। इस कंपनी का मानना है कि आप बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करते हो तो अपने चेहरे की क्यों नहीं करते। इस एक्सरसाइज में करना ये होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को अपने मुंह में लेना होता है और 30 सेकंड के दो राउंड करने होते हैं। ऐसा करने से आपके चेहरे की मसल्स बहुत फिट रहेंगी और आपका चेहरा बिल्कुल शार्प रहेगा। ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है आज से 700 साल पुरानी, जब इंग्लैंड में ब्लैक प्लेग फैला हुआ था और इसी प्लेग की वजह से इंग्लैंड बहुत कमजोर हो गया था और इस चीज को देख रहा था उसका पड़ोसी देश स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को लगा कि इंग्लैंड अभी कमजोर है तो अच्छा रहेगा कि उनके ऊपर हम हमला कर दें। और फिर इन स्कॉटलैंड के गधों ने साल 1349 में इंग्लैंड के ऊपर हमला भी कर दिया। इंग्लैंड से वो जंग तो क्या ही जीतते, इंग्लैंड से वो ब्लैक प्लेग अपने देश में ले आए। और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि पूरे स्कॉटलैंड की आधी आबादी साफ हो गई उस ब्लैक प्लेग की वजह से जो इंग्लैंड से लेकर आए। इसे बोलते हैं अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बम बनाया गया था जिससे दुश्मन आर्मी के सारे जवान गे बन जाए तो क्या विश्वास करोगे? ऐसा ही हुआ था। बात है साल 1994 की। यूएस एयरफोर्स के रिसर्चर्स ने एक ऐसा बम बनाया था जिसका नाम था गे बम। प्लानिंग अमेरिका की ये थी कि इन बॉम्ब के अंदर स्ट्रॉन्ग मात्रा में फेरोमोन्स होते हैं और इन बॉम्ब को आसमान से नीचे दुश्मन की सेना के ऊपर छोड़ा जाएगा, जिसके बाद जो दुश्मन आर्मी के सैनिक हैं वो आपस में ही प्यार करने लगेंगे, फिर जंग कौन जीतेगा। क्या मस्त प्लान है, कैसा लगा आपको ये प्लान, कमेंट्स में बताना।